Kannada film industry has achieved something that's bigger than Oscars. जी हाँ, कल दोपहर की बात है जब मैं ऋषभ शेट्टी का अकाउंट मैंने देखा ट्विटर का, उन्होंने कुछ एक फोटो शेयर की थी जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठे हैं और उनके साथ साथ में है रॉकिंग स्टार यश, होम्बले फिल्म्स के विजय किरगंडूर और है, उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट इंडियन सिनेमा इज। और जैसे कि फोटो में दर्शाया गया था, इंडियन सिनेमा को कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए सैंडलवुड को एक तरीके से सम्मानित किया गया। तो अपने आप में बहुत ज्यादा प्राउड फील कराने वाला मोमेंट था क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूं कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की, और जैसे जैसे इस कंटेंट को, जैसे जैसे इसके मेकर्स को मैं और ज्यादा समझती हूँ, देखती हूँ, देखकर लगता है कि किसी भी ऑस्कर अवार्ड से भी ज्यादा बड़ा, बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग ये फिल्म इंडस्ट्री है। तो जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने इनको सम्मानित किया, वैसे ही साथ साथ में एक प्रॉमिस भी किया कि इनको जो भी हेल्प चाहिए सरकार की तरफ से अपनी फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करने के लिए, हर वो चीज उनको मुहैया कराई जाएगी। इसका मतलब ये, चाहे वो बजट्स को लेकर हो, चाहे शूटिंग की परमिशंस को लेकर हो, क्योंकि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ओवर द इयर्स अपने साथ डीप रूटेड कंटेंट लेके चलती है, जो हमने कांतारा में भी देखा कि इतने 2022 के ज़माने में भी एक फिल्म, एक ऐसी कहानी जो कि एक छोटे से गांव से रिलेटेड थी और उसके बाद वो किस तरीके से लोगों से कनेक्ट कर गई कि 15 करोड़ के बजट पे बनाई गई फिल्म जो है वो 450 करोड़ रुपये कमा लिए उस फिल्म ने, और अब वो इंग्लिश पे भी आ रही है नेटफ्लिक्स पे। तो ये जो एक विजन है साउथ इंडस्ट्री का, ये जो एक विजन है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहचाना और उसको सम्मानित किया। किसी भी ऑस्कर अवार्ड से वैसे बड़ा तो होता है जनता का प्यार। और जब हम ऑस्कर्स की बात कर ही रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आरआरआर की बात ना करें, क्योंकि 13 मार्च को ऑस्कर्स की जो सेरेमनी है वो होने वाली है। उसका लंच जो है इस वक्त चल रहा है और थोड़ी देर पहले ही मेरे पास एक अपडेट आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आरआरआर के सॉन्ग नाटू नाटू के ऊपर लाइव डांस परफॉर्मेंस होने वाला है उस दिन पर जब सेरेमनी होगी। मतलब 13 मार्च 5:30 बजे सुबह के करीब इस वक्त पे इसका टेलीकास्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ग्लूड होकर रहने वाली हूँ और देखने वाली हूँ कि इस लाइव परफॉर्मेंस में क्या जूनियर एनटीआर और रामचरण होने वाले हैं या कोई और डांसर्स है या कुछ और तरीके का। लेकिन इतना कंफर्म हो चुका है कि इस सॉन्ग पर एक लाइव डांस परफॉर्मेंस होने वाला है। इजंट इट अ मोमेंट ऑफ प्राइड कि हम हमारे देश को रिप्रेजेंट करती हुई एक मूवी, एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जिसके लोग सपने लेते हैं, जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि कभी हम उस मुकाम पर पहुंच पाते, लेकिन साउथ इंडस्ट्री की बदौलत हम वहां पर पहुंचे हैं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री राजमौली सर की बदौलत पर हम वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर पहुंचकर हमारी इतनी जगह बन चुकी है कि फिनाले में डांस परफॉर्मेंस होने वाला है तेलुगु सॉन्ग पर। That's amazing, amazing to know। तो मैं इस चीज़ का, मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार करने वाली हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी जो मुझे आपसे ट्रेलर्स और रिव्यूज शेयर करने थे, बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं जिनमें एक मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज़ होने वाली है समहारम, जिसमें संदीप मालानी जी, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था, ये फीचर करेंगे। और ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड एक मूवी है जिसका ट्रेलर मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ क्योंकि मेरे पास उसका पहले से एक्सेस है, तो मैं देख चुकी हूँ और इसका बहुत ही जल्दी प्रीमियर होने वाला है। तो मैं इस फिल्म के लिए बेहद एक्साइटेड हूँ। इसको लेकर और भी ज़्यादा कॉन्टेंट्स एंड अपडेट्स मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। बहुत सारी और मूवीज़ हैं जिनके लिए मुझे कहना है कि मतलब आई कैन नॉट वेट। एक तो मुझे पता चला है कि मलिकापुरम 15th को, यानी कि कल, हॉटस्टार पर आने वाली है, तो मैं बहुत जल्दी, यानी कि कल, इस फिल्म को देखने वाली हूँ। वैसे रूमर्स तो ये भी हैं कि सलार में यश का एक कैमियो होने वाला है जूनियर एनटीआर की वॉइस में। मतलब दिमाग हिलाने वाले ऐसे अपडेट सुनने को मिल रहे हैं साउथ इंडस्ट्री के, कि सुनकर लग रहा है ओ माय गुडनेस, 2023 में आंधी आने वाली है साउथ इंडस्ट्री की। इस वक्त जो है काम चल रहा है, इस वक्त जो शांति बनी हुई है, वो एक बहुत बड़े तूफान के आने का अंदेशा है। तो जब ये तूफान स्टार्ट होगा, यानी कि 30 मार्च को, जब दशहरा से एक तरीके से कह सकते हैं, या उससे पहले कब्जा आएगी, कन्नडा मूवी कब्जा से चीज़ें स्टार्ट होंगी और उसके बाद शुरू होगा असली कोहराम। सो देखना ये होगा कि कौन सी मूवी कहाँ तक पहुँचती है, किसको कितने स्क्रीन काउंट्स मिलते हैं, जो हमारा एक वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स है, कौन सी मूवी को कितने स्क्रीन काउंट्स मिलते हैं और फाइनली कौन सी मूवी में क्या धमाका होने वाला है। तो बाकी बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। कल जो कम्युनिटी टैब पे हमने पोस्ट डाला है वो यही है, क्योंकि मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं था और मुझे वो आपसे शेयर करना ही था कि कितना 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 एक्साइटेड हूं मैं इस चीज़ को लेकर। सो थैंक यू टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, थैंक यू टू द कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री जो इतना कुछ कर रही है हमारे देश के लिए, हमारे कल्चर के लिए। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जो हमारे इस ड्राइव के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर हम अच्छे कॉन्टेंट को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तो और अपडेट्स अगले वीडियोज में। बाकी लाइक दिस वीडियो, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Storyify.